प्लीज ये मत करो, कुछ नहीं है ठीक है। तो मैं नहीं मानती शादी, मैंने कर ली। फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, समझे ना तुम? मेरे साथ फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं मुंह तोड़ दूंगी, तुम्हारा भी है इसका भी। हेलो दोस्तों, नमस्ते। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन और यहाँ कैसे, तो आइए आज मैं मिलाता हूँ आपको अपनी नई नवेली दुल्हन से। स्वामी आप आ गए। हेलो दोस्तों, नमस्ते। सो कैसे हैं आप सब लोग? सो मैं फिर से लेके आई हूँ फेक मैरिज प्रैंक, क्योंकि आप सब लोगों की बहुत डिमांड आई थी, आपको पार्ट टू चाहिए, पार्ट टू चाहिए। सो मैं फिर से लेके आई हूँ, बट इस बार कुछ हमारे पास बहुत स्पेशल है, और वो है हमारे दूल्हे मियाँ। इन्हें तो आप पहचान गए हो गए, नहीं पहचाने? कुछ याद दिलाती हूँ। इन्हें तो हमारे यहाँ झूतरू बोलते हैं। ये आप सबके फेवरेट झूतरू भैया, जो आपने हमारे प्रैंक में देखे होंगे। कुछ याद आया? बहुत बेइज्जती करी थी इन्होंने उस वीडियो में मेरी, और मुझे पता भी नहीं था, इन्होंने वो वीडियो अपने चैनल पे भी अपलोड कर दी। उस समय तो हम लोग स्ट्रेंजर थे, और बट कहाँ से पता नहीं इन्होंने वो क्या देखा, बताओ तुम ही बताओ यार। मैंने फिलहाल इनकी एक वीडियो देखी थी, फेक मैरिज। तो मैं भी कुछ सिमिलर प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, तो मैंने इनसे कॉन्टेक्ट किया कि बेइज्जती तो कर ही लिया आपने, अब कुछ हेल्प भी कर दो। तो मैं इनके पास आया हूँ, और तो हाँ, तो इन्होंने मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट किया, तो याद मुझे याद आ गया सब। तो मैंने सोचा यार बेचारी कितनी बेइज्जती की थी, तो थोड़ी सी हेल्प तो बनती है। सो चलिए चलते हैं आगे का, हम आपको बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो शूट लोकेशन पे चलते हैं और लड़की को बुलाते हैं, ठीक है? चलिए आइए। तो गाइज हम लोग शूट लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, और हम खड़े हैं इनकी गर्लफ्रेंड निशा के घर के बाहर वाले जो ये पार्क है। तो बुला लो यार अगर आ जाती है तो। हाँ स्पीकर पे लगा दो ताकि लोग भी सुन लें। फोन उठाती भी है तुम्हारा? हाँ ये उठा तो लेगी। हेलो हेलो। हाँ बोलो निशा। बहुत जल्दी याद आ गए तुम्हें मेरी, 15 दिन बाद कॉल किया है तुमने, पता है? मैं आपके घर के बाहर वाले पार्क में बैठा हुआ हूँ, मुझे आपसे मिलना। आपसे मिलने आया हूँ मैं, घर के बाहर पार्क में बैठा हूँ, कुछ सरप्राइज देना। कुछ सरप्राइज देना आपको? नहीं चाहिए तुम्हारा सरप्राइज, आ जाओ ना प्लीज। कॉल भी करना जरूरी नहीं समझते तुम? ब्रेकअप तो आपने ही किया था ना, आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ प्लीज। हाँ जी ठीक है, आ रही हूँ मैं 5 मिनट। ठीक है, वेट करो। ओके बाय। तुम्हारी ये हालत है इस रिलेशनशिप में, भगवान। चलो तो कितने कब आ रही है ना वो? 5 मिनट। 5 मिनट लड़की के 5 मिनट तो तुम जानते हो ना, आधे घंटे से पहले नहीं आ रही वो। चलो वेट करते हैं, करके सकते हैं हम लोग। इतने ही काम करो तो मुझे यही बता दो तुम ये करवाना क्यों चाहते हो वैसे, बाय द वे उस पे ये प्रैंक। करवाना इसलिए चाहता हूँ कि यार दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं प्यार करता हूँ उसको, वो भी बहुत प्यार करती है, लेकिन मेरी हालत पता कैसे हुई, कुत्ते की तरह हुई यार। धोबी का कुत्ता होता है ना, ना घर का ना घाट का। आप हंसी मत, सच में मैं उसको प्यार करता हूँ, उसको छोड़ नहीं सकता, और उसने इतना इरीटेट कर दिया ना छोटी छोटी चीज़ों से कि मैं उसके साथ भी रह नहीं सकता। तो बाकी चीज़ें अभी आपको पता लग जाएंगी, सारी चीज़ें क्या हैं और कैसे हैं। A few moments later. हाँ बोलो। क्यों बुलाया तुमने? आपको किसी से मिलाना था, सरप्राइज देना था आपको। कौन है? मैंने शादी कर ली। और ये सब क्या है? शादी कर ली मैंने। पागल हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। शादी कर ली? मजाक है क्या? शादी कर ली? नहीं सच में शादी कर ली मैंने। क्या ड्रामा क्या है ये? अरे शादी कर ली बोलते रहो। शूट वगैरह से आ रहे हो क्या? शूट से नहीं आ रहा हूँ मेरा। मैं क्यों पागल बनाऊंगा? तो क्या है ये सब? कर ली मैंने सारी। ये सब दिखाने के लिए बुलाया मुझे? आपको मिलाना हूँ मैं। किससे मिलवाना है मुझे? अपनी वाइफ से। वाइफ? पागल हो क्या? अरे सच में आप दो मिनट रुक जाओ। रिलेशनशिप में पता है ना? एक मिनट रुक जाओ ना। मुझे किसी से मिलना एक, मिलना एक मिनट रुक जाओ, मैं आपसे मिला तो आपको मिलाने लाया हूँ मैं। हाँ जान। क्या जानवान? कहाँ हो? 2 मिनट आ सकते हो पार्क में प्लीज? क्या जानवान हो रहा है? क्या
अरे वाइफ है मेरी, एक मिनट रुक जाओ, वाइफ है मेरी। अरे आप दो मिनट रुक तो जाओ, मिल लो, कोई तरीका होता है ये? दो मिनट रुक जाओ यार, मैं सच में। हाय हाय, फोन है ये? बीवी है मेरी, शादी कर ली मैंने। पागल हो गया, कुछ भी बोले जा रहे, शादी कर ली, ऐसे क्या, ऐसे शादी हो जाती है 15 दिन में? सच में कर ली, हम शादी करके आ रहे हैं। आपको मजाक कहाँ से लग रहा है, ये देखिए सब। प्लीज छोरा, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है? और हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत बदतमीज है ये, जो बोलना मेरे को बोल लो, ठीक है? उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं, उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, प्लीज। बहुत ज्यादा बोल रहे हो, प्लीज आप बैठ जाओ, प्लीज। क्या हो रहा है ये सब? अरे वाइफ मेरे, क्या हो रहा है, क्या क्यों दूर हो उससे? क्या वाइफ वाइफ हो रहा है ये? अरे क्यों, शादी करी मैंने, महंगी वाइफ हूं, क्यों दूर हो रहे? प्लीज आप चुप हो जाओ, दूर हो उससे। क्यों दूर हूं मैं यार, वाइफ मेरी शादी करी मैंने, पता है ना तुम्हें? आपको नहीं पता था, आपको नहीं पता था 15 दिन से, आपको नहीं था नहीं कि मैं जिंदा हूँ, मैं मर गया हूँ, कुछ था आपको? हमारी लड़ाई थोड़ी बहुत चलती रहती, इसका मतलब थोड़ा तुम शादी कर लोगे? हर 10 से 15 दिन बाद लड़ाई हो जाती है, फिर मैं ही आता रहता हूँ आपको मनाने, कुत्ते की तरह। आपको रियलाइज है कितना प्यार किया आपको? पता क्या हुआ था, मैं एक्सप्लेन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक चीज बताओ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं जॉब पे जा रहा हूँ, मिडिल फैमिली से हूँ यार। आप तो बड़े बाप की लड़की हो ना, घर पे पैसा भरा, मेरा नहीं भरा हुआ, काम कर रहा हूँ, क्लाइंट से भी बात कर रहा हूँ, तो किसके साथ लेट रहा है किसके? अरे यार क्या हूँ मैं, क्या हूँ मैं, कोई उठाया गिरा हूँ क्या? हर किसी के साथ लेटता रहूंगा, शूट पे जा रहा हूँ तो किसकी ले रहा है किसका, क्या हूँ यार? तो पूछने में क्या जा रहा है? शक, शक बहुत गंदी चीज है, मैं प्यार करता हूँ ना, तो आपके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, गंदा था। तुम्हारा कुछ प्लान लेना तो प्लीज बंद कर लो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अरे प्लान है ना, तुम छोड़ो ना, क्यों इस पागल के मुंह लग रहे हो यार, लेट इट बी। ये बहुत ज्यादा बोल रही है, ये पिट जाएगी अभी। एक बात बताओ मेरे से, जो बोलने, बाबू आप चुप रहो, बेबी प्लीज आप बैठो, पानी पिलाओ, एक सेकंड प्लीज। चुप हूं वरना मैं इसे यहीं पे सही कर दूं। जो बोलना मेरे से, उससे कुछ नहीं बोलोगे? क्यों ना बोलूं उससे, अरे बीच में वाइफ है मेरी, वो वाइफ है, वो बीच में नहीं आई, आप साइड हो गए थे, वो बीच में नहीं आई, आप साइड हो गए थे, आप चले गए थे छोड़ के, आपने ब्रेकअप किया था, वो बीच में नहीं आई, कर ली मैंने, मुझे सुख नहीं चाहिए लगा, नहीं मानते तुम्हारी शादी को, मुझे खुशी नहीं चाहिए क्या, मुझे सुख नहीं चाहिए क्या, मुझे जरूरत नहीं है क्या किसी की? और मेरा क्या? आपके तो 200 दोस्त थे कॉलेज के, सबसे बात कर रहे हो तो मैंने कभी टोका? माँ बाप है सब कुछ है, मेरा क्या था, मेरे पास तो तुम ही थे ना, करूंगा, जरूरत है मेरी, इतने कॉलेज के फ्रेंडों से बात करते हो, मैंने कभी टोका? जब भी आपको कॉल करो लड़ना, इरिटेट हो गया था यार मैं, जब भी मैं थकार के परेशान हो गया, एक बार कॉल करता हूँ ना, इरिटेट हो गया, इरिटेट हो गया, तो चुप करा लो, ये पिट जाएगी, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, प्लीज मेरी वाइफ है, आप मेरे से बदतमीजी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा आपने मेरे से बदतमीजी करी, क्या वाइफ वाइफ चल रहा है ये? ये वाइफ हूं मैं इसकी, क्या? दूर हटो प्लीज, दूर हटो उससे, आप बात कर रहे हो ना, मैं पास ना, तुम्हारे क्यों आएगी, आएगी आएगी, वो मेरे पास आएगी, मैंने शादी करी है, बीवी है मेरी, पता है, कोई भी बीवी नहीं है, ठीक है ना, आपको प्यार किया था ना, कदर करी आपने उस प्यार की, हमेशा शक किया, कभी भरोसा था मेरे पे, कभी जरूरत लगी आपको मेरी, कभी तुमने मुझे टाइम दिया, कभी सोचा कि मैं क्या सोचती हूँ क्या, जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करी? बिल्कुल करी, जब भी मुझे टाइम मिला था सबसे पहले मैं आपको फोन करता था, सबसे पहले आपको, और आपका लड़ना शुरू, किसके साथ था, क्या था, कब तक सफाइयां देता रहूंगा मैं, किस चीज में सफाई दूं, हर बात पे अंडरस्टैंडिंग हूँ, आप छोड़ो ना, ये आप बता रहे थे कि तुम क्या इसका दिमाग खाती हो, बंद करवाओ पहले तो, वरना ये चलो, उसको बोलने की जरूरत नहीं, उसको बोलने की जरूरत नहीं, प्लीज उसको तोड़ दूंगी मैं, तोड़ना जरा, हाथ लगाना जरा, बहुत तेजी से चुप करा लो, निकल चल चल, जो बात करनी मेरे से करो, ठीक है ना, इसे चुप करा लो वरना ये पिट जाएगी, नहीं होगी जान, क्या जान मानू, क्या रहा है ये सब, एक सेकंड प्लीज, प्लीज आराम से बात कर रहा हूं मैं आपसे, इसे कौन दूर है तुमसे, हाथ ना लगाए, वो मेरे साथ रहेगी, आपसे प्यार किया ना, आपसे मैंने बहुत प्यार किया, ठीक है, आपने कभी कदर नहीं करी, ना उस प्यार को समझा, ना उसकी कोई रिस्पेक्ट की, इसने मुझे प्यार किया, उस प्यार की कदर करती है वो, उसने मुझे अपना टाइम दिया, उसने मुझे अपना विश्वास दिया, आपने हमेशा मेरा विश्वास तोड़ा, हमेशा मुझे गलत ठहराया, पहले भी थी, पहले ही थी, मैं सब आपके साथ कोऑपरेट कर रहा था, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ आपसे, प्यार करता था मैं आपसे, तुम्हें झेल रहा था, प्यार करता था मैं आपसे, क्यों बोल रही है, मैं तुमसे बात बोलेगी, वो बोलेगी, समझी, क्या वाइफ है, कोई शादी वादी नहीं हो गई, आप प्लीज मेरे से बात करो, बीच में हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, निकले यहां से, मेरे से बात करो प्लीज, इसके टाइम से चुप करा लो, वो बोल रहे हैं ना, वो कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, क्या गलत नहीं बोल रहे, वो कुछ गलत नहीं बोल रहे, नाटक चल रहा है ये,
नाटक नहीं है प्लीज, मेरा हस्बैंड है ये, कैसे मुझे हाथ लगाने, प्लीज वेट 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 प्लीज बाबू, प्लीज बाबू प्लीज। और क्या बाबू, बाबू हो रही है, वाइफ है मेरी यार, तो बाबू नहीं बोलूंगा और क्या बोलूंगा, मतलब चिल्ला मत, पूरी हिम्मत तो आपको, तो फिर आपने क्या किया था, आपने क्या था मेरे साथ, क्या किया था आपने आज तक मेरे साथ, एक बात बताओ, इतने टाइम पे इस रिश्ते में क्या किया था आपने, हमेशा बेइज्जती लड़ता था, हमेशा आपको लगता था आ जाएगा कुत्ते की तरह दुम हिला के, यार तुम कुत्ते बिल्लू की तरह यहाँ लड़ रहे हो, क्या रिलेशन, हमेशा हमेशा रुलाया आपने इस रिश्ते में मुझे, हमेशा रुलाया, आप रोयो ना, आप तो लड़कियों ने बात बात मगरमच्छ की तरह आंसू आ जाएंगे, वो मगरमच्छ कभी लड़कों को देखा, लड़के नहीं, लड़के की नहीं होती, बस हम रोते नहीं ना बात बात पे, हमारे दर्द नहीं होता, हमें जरूरत नहीं पड़ती क्या किसी की, अपने तो खुद बात बात पे आंसू निकाल लेते हो, इसने समझा मुझे, इसने प्यार करा, उसने कदर करी उस रिश्ते की, आपने क्या कदर करी उस रिश्ते की, आज इसके साथ लेटा था, जब भी आज उसके साथ लेटा था, किसके साथ मरवा के आ रहा, पर क्या हूं मैं, क्या समझा था, एक बात बताओ, बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, मैंने आपकी जरूरतें, मैंने हमेशा आपकी जरूरतें समझी, अपनी जरूरतें कभी नहीं समझी, पहले आपकी जरूरतें पूरी करी, पता है हमेशा आपके लिए तड़पा हूं मैं, हमेशा आपके लिए रोया मैं, आपने क्या बनाया मेरा चूतिया, कभी कुछ नहीं किया तुमने मेरे लिए, नहीं किया ना, नहीं किया तो बस ठीक है, अब मैं खुश हूं उसके साथ, आज तक नहीं किया, अगर आपको ये लगा कि आज तक मैंने, अगर आपको प्लीज वेट, देखो अगर आज तक कदर नहीं थी ना आपको उस रिश्ते की, आपकी नजरों में तो हमेशा यही था ना, मैं ठरकी था आज इस औरत के साथ, उस लड़की के साथ, इस क्लाइंट के साथ, आपकी नजरों में यही था ना मैं, तो आपको शौक होने की जरूरत नहीं, हो गया मैं उसके साथ, प्लीज खत्म, मैं क्या करूंगी, आपका क्या, जो आज तक आप कर रहे हो तो करो, इतने सारे फ्रेंड्स आपके, माँ बाप आपके, जाओ उनके साथ, जिनके साथ बातों पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लगे रहते थे, मेरी जरूरत थी आपको, आपको ये लगता था आपने लड़ लिया, झगड़ लिया, भगा दिया उसको, कुत्ते की तरह आ जाएगा, दो मिला के चार दिन बाद फिर मैं बाबू सॉरी बाबू, कभी समझा मेरी फीलिंग को, कभी महसूस हुआ आपको कि मैं भी रोया हूँ, मुझे भी जरूरत है, मैं भी तड़पा हूँ, और मैं नहीं रोई इन 15 दिनों में, लड़की हो ना बात बात पे, ए हो गया नाटक, हाँ मैं ना, हाँ मैं ना, लड़के रोते नहीं है ना, अंदर से दुख तो हमें भी होता है ना, तकलीफ तो होती है ना, हमें तकलीफ नहीं होती है, होती तो ये नहीं करते आप, समझते हो उस रिश्ते को, पता है अगर आपको तकलीफ होती, अगर आपको उस रिश्ते की कर्ज होती, आपको आपको प्यार की जरूरत होती, तो आप समझते इतने साल में उस रिश्ते को, समझ आती, कर ली मैंने, मुझे जरूरत थी, तो कर ली मुझे जरूरत थी, मुझे जिंदगी जीनी थी अपनी यार, बदतर कर दी थी आपने जिंदगी मेरी, बदतर कुत्ते की तरह, दो कौड़ी की लड़की के लिए, ओए उसे उसे दो कौड़ी की नहीं बोलना प्लीज, उससे उससे दो कौड़ी की नहीं, उसके साइड क्या ले रहे हो तुम, मेरी बीबी हो, नहीं हो, दो कौड़ी की वो मेरी बीबी, आपने क्या समझा था आज तक मुझे, एक बात बताओ, आपने क्या समझा था मुझे, बताओ ना मुझे, आप बताओ, तो तुम शादी कर लोगे किसी और से, कर ली मैंने, प्यार करती हो मेरे से, कुत्तों की तरह तू फोन तो बोल रही है लड़की, अरे वो इज्जत करती है, पागल लड़की, तुम ठीक है, ठीक है साथ जी कैसे रहे थे, आप हिम्मत कैसे, आप इनसे बदतमीज, एक मिनट, आप इनसे बदतमीजी नहीं कर सकते, इसके साइड ले रहा हूं बार बार, क्योंकि मेरी वाइफ है, प्यार करती हो मेरे को प्लीज, आराम से, उनसे मैं नहीं करती, सब तमाशा किया आपने, सिर्फ तमाशा, ड्रामा किया, बस क्या क्या बताओ, क्या प्यार किया, क्या क्या आपने इस प्यार में मेरे लिए आज तक बता दो, मैं हर चीज गिना दूंगा, मैंने आपके लिए प्यार के लिए क्या क्या किया, सोचना पड़ रहा है ना कि तुमने क्या किया, तो तुम खुद सोच लो तुमने कुछ किया भी, मैं हर चीज बता दूंगा, मैंने अपने यार दोस्त छोड़े आपके लिए, बीच में आके हमारा रिश्ता तोड़वा दे, बकवास कर रही है, आपने तोड़ा, नहीं झेल रहा था ये तुम्हें, मैं सिर्फ झेल रहा था, मुझे झेल रहा था, नहीं उसको सब पता, सब पता, वाइफ होगी कहीं और जाके, उनको बोलने की जरूरत नहीं, प्लीज शांत शांत, उनको बोलने की, हाँ तो क्यों नहीं लूंगा यार, उसके साइड क्यों नहीं लूंगा, मैं आपकी साइड लूंगा, आज तक आपकी भी साइड लेता था ना, आज तक आपके लिए भी लड़ता था ना मैं, कभी पता लगा, पता लगा कभी आपको, जाओगे मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मार लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको मारना ना मारो, प्लीज ये मत करो, कुछ नहीं है, ठीक है, मैं नहीं मानती है शादी, मैंने कर लेना कोई नहीं यार, तुम तो मुझे हाथ मत लगाओ प्लीज, तोड़ो ये सब, मुझे ये सब ड्रामा पसंद नहीं है प्लीज, मैं सिर्फ आपको मिलने आया था, आपको बताने आया था यहाँ पे, इसलिए मैं उनको लेके आया, she doesn't deserve that, let's go, अच्छा तुम बताओ, एक सेकंड उनसे बताओ मुझे, प्लीज जो लड़कियां ना, जो लड़कियां ना जितनी और रिस्पेक्ट मेरी करती है, जितनी और रिस्पेक्ट मेरी करती है, जितना प्यार वो मुझे करती है, आप जिंदगी में नहीं सोच सकते हो, उसके पैर की जूती भी नहीं हो आप, ठीक है, सच में नहीं हो, नहीं प्लीज, हाथ उठाया उठा लिया, अब ये मेरा हस्बैंड आए तो सोच, मतलब मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, समझी, तो तोड़ेगी तू, हां मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, क्या बोल रही है ये,
वो गलत नहीं बोल रही, साइड ले रहा हूं वो मेरी बीबी है, मैं उसके साइड नहीं लूंगा। ये ना होता तो तुम्हें शादी करने के मन होते माला पहनने से या फिर शादी कर ली, मैं नहीं मानती तुम्हारी शादी, या तो मैं ऐसे मैं एक सेकंड में सही कर दूंगी। आप रहने दो प्लीज, प्लीज तो मैं देखती हूं इसे, आप रहने दो प्लीज। तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, वो मुझे धमकी दे रही है। उसको प्रोटेक्ट क्यों नहीं करूंगा मैं, और किसको करूंगा, वाइफ है मेरी। यहां पे तुम बची हो ना, तुम्हें तो मैं यहीं पे सही कर देती, समझी? अच्छा करो, करूं 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 करूं। आप प्लीज, आप करो, उनको कुछ बोलने की जरूरत, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है प्लीज। क्यों ना बोलूं, उसको हमारे बीच में आई है वो, बीच में तुम आई हो, मैं नहीं आई हूं, ये तो जाना है यार। उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्यों ना बोलूं, उनसे बदतमीजी मत करो, मेरे से बदतमीजी कर लेना, मेरी वाइफ है, तुम्हारी वाइफ, ठीक है? हां, और मैं क्या हूं, कुछ नहीं हूं, आप जो थे आप ठीक है, आप जो थे तब थे, ठीक है, अब नहीं है। फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, समझे ना तुम, मेरे साथ फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा भी है इसका भी। मैं ये थप्पड़ मार के ना आपने आखिरी गुंजाइश जो थी ना वो भी खत्म कर ली। एक चीज नोटिस करी, जब सांप आए हो ना आप लड़ ही रहे हो और मार ही रहे हो, वो तब से मुझे बचा रही है और हमेशा मेरा सपोर्ट कर रही है, तब से और अब तक, अब भी वो मेरे साथ है, ये फर्क है, वो मेरे को प्यार करती है। आप इतने सालों से मेरे साथ रिश्ते में थे ना, ये आखिरी थप्पड़ जो आपने मारा ना, थप्पड़ नहीं मारा, आपने बताया कि आपके अंदर क्या है और आप क्या करते थे आज तक, बस। चलो यार हम लेट हो रहे हैं, हम चलें, चलो प्लीज, हाँ छोड़ प्लीज, छोड़ दो, नहीं प्लीज, ये जो थप्पड़ मारा था ना ये आपने आखिर दिखा दिया, कोई बात नहीं, मुझे इस थक्कड़ के नहीं कोई दिक्कत, यहाँ लगी है ना, ये लगी है, इतने सालों से मैं यहाँ झेल रहा हूँ ना, गुस्सा कितना आता है, मुझे नहीं आता क्या गुस्सा तुम्हारे लिए, नहीं इसके लिए, मुझे नहीं आता। यार, चलो यार जाना है यार, अरे यार हम लेट हो रहे हैं यार, अब रह क्या गया, एक बात बताओ, तुम प्लीज कहीं नहीं जाओगे तुम, नहीं मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या चाह रहे हो अब, क्या चाह रहे हो अब, क्या रह गया, नहीं जाओगे, नहीं मैं जाने नहीं दूंगी, मैं इनको नहीं छोड़ सकता, मैं तुम पे शक करना बंद कर दूं, मैं ठीक है, मैं सब तुम्हारी सारी बात मानूंगी, लेकिन प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, तुम प्लीज समझो, मैं इनको नहीं छोड़ सकता ना, अब तक क्यों नहीं था वो प्यार, अब तक कहाँ था इतना प्यार, प्लीज मुझे माफ कर दो, लड़ाई के अलावा तक दिया क्या, मैं नहीं लड़ाई करूंगी, मैं और आज जो थप्पड़ मार दिया था ना यार, अगर तुम इज्जत नहीं कर सकते तो तुम प्यार क्या घंटा करोगी, और ये साथ में है, इन्होंने आपको कुछ बोला ही नहीं है, आपने कितनी बदतमीजी करी आपकी, तुम चाहते हो तो मैं इससे भी सॉरी बोल दूंगी, मैं इससे भी माफी मांग लूंगी, लेकिन प्लीज तुम मत जाओ, मुझसे दूर मत जाओ यार, तुम्हारे सिवा और कोई है नहीं मुझे समझने वाला, मैं रह नहीं सकता, प्लीज तुम चाहते हो मैं सॉरी बोल दूं, मैं बोल दूंगी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, पर इन्हें मुझसे दूर मत लेके जाओ प्लीज। यार अब मेरी शादी हो चुकी है, प्लीज तुम तो एक लड़की हो यार, तुम तो मेरी फीलिंग समझो यार, मेरी भी तो लाइफ खराब हो जाएगी ना, अब ये मेरे हस्बैंड है मैं क्या करूंगी, आपने पहले एक लड़की होगी, एक लड़की फीलिंग नहीं समझ सकती, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं मैं मर जाऊंगी यार इनके बिना, क्या मैं भी मर जाऊंगी, मेरे हस्बैंड है आप, प्लीज आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी बातों का बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गई ये सब देख के, रियली सॉरी, मैं इतने सालों से अपसेट था आपके साथ, लेकिन अब जाना यार, प्लीज चलो, मैं कहीं जाने ही नहीं, यार माला छोड़ दो प्लीज, प्लीज नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम कहीं नहीं जाओगे मुझसे दूर, नहीं माला छोड़ दो इस माला से, यार अब चले, अब चले, अरे यार नहीं प्लीज कहीं नहीं जाओगे तुम, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, बहुत प्यार करती हूं तुमसे यार, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं भी करता था, मैं भी बहुत प्यार करता था यार, तुमसे टी शर्ट नहीं छुड़ाई जा रही है, मैं जा रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है, प्लीज यार तुमसे लड़की से टी शर्ट नहीं छुड़ाई जा रही है, मैं मर जाऊँ यार, तुम कहीं नहीं जाओगे प्लीज, अरे मुझे मर जाऊंगी यार तुम्हारे बिना, प्लीज कहीं नहीं जाओगे प्लीज, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं रुक सकता, मैं उनको छोड़ नहीं सकता प्लीज, मैं नहीं छोड़ सकता उनको यार, मेरे साथ ही यहां से यार, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे पास ही रहोगे बस, यार तुम चल रहे हो या मैं जाऊं तो मुझे ये बता दो, अबे यार मुझे तोड़ोगे क्या, ये क्या खिसा है, क्या खिसा, क्या बना रखा है, तो तुम डिसाइड कर लो, मैं जा रही हूं, तुम देखो मैं हले उसके साथ रह लो ना यार, प्लीज तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं मैं नहीं रुक सकता आपके साथ, इतना टाइम मैंने आपके साथ बिताया वो बहुत, तुम्हारा हाथ नहीं छुड़ाया जा रहा है उससे, मैं जा रही हूं, बेबी क्विट, तुम कहीं नहीं जाने दूंगी यार, प्लीज यार इनफ यार, चलो यार प्लीज चलो, चलो Thank you.
ये टी शर्ट तो दे दो इसको, क्या पोछा लगाओगी अब? सब तो ले गई मेरा, अब इसे भी लेके जाओगी क्या मुझसे? तो तुम कैसे पूरी जिंदगी ऐसे सूंघती रहोगी क्या? मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी तुमने। तो यार ले गई मेरा, अब इसे भी ये भी चाहिए तुम्हें? अरे तो उसे के टी शर्ट में मैं जाओ यार, मुझे नहीं सुनना कुछ भी, चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। अरे तो वो हनीमून पे नंगा जाएगा क्या? हम यहीं से डायरेक्ट निकल रहे थे यार, फ्लाइट पकड़ रहे थे। अच्छा यार तुम रो मत यार। अच्छा यार सुनो, देखो, अच्छा रो मत प्लीज, रो मत। देखो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, तुमने तुम जाओ यार उतर... प्लीज यहाँ से जाओ यार, मुझे मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारा। यार देखो तुमने बोला था ना लड़की हो के मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझती, यार देखो मैं समझती हूँ। समझती ना तो ये नहीं करती, नहीं लेके जाती। अच्छा अच्छा शांत हो जाओ, एक तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है इस रिलेशनशिप में तुम्हारा गुस्सा है यार, थोड़ा शांत हो जाओ। अच्छा रोना बंद करो, रोना बंद करो प्लीज, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अच्छा सुनो सुनो, देखो सुनो मेरी बात सुनो प्लीज, समझने की कोशिश करना मैं जो भी आपको बोल रही हूँ, प्लीज रोना बंद करो, एक बार सुन लो। देखो यार ये रिश्ता गया तो गया, बट मैं तुम्हें आगे के लिए एक बड़ी बहन की तरह तुम्हें बस एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर तुम प्लीज सुन लो तो, ठीक है? देखो यार समझा करो, किसी भी रिश्ते में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्यार से भी ऊपर पता है क्या होती है? इज्जत होती है। और तुमने कभी उसकी इज्जत की है? यार ये बताओ तुमने उसे कितने गंदे तरीके से यहाँ पे थप्पड़ मारा, कितनी गलत बात है यार। एक बात बताओ, जब एक लड़के का लड़की को थप्पड़ मारना इतना गलत होता है, तो लड़की का भी तो इतना उतना ही गलत होता है ना? वायलेंस तो वायलेंस होता है, जेंडर वाइज थोड़ी ना होता है वायलेंस। एक बात बताओ आज तक कभी उसने आप पे हाथ उठाया है? तो सोचो वो आपसे पता क्यों नहीं उठाया, वो आपसे कितनी प्यार और कितना इज्जत करता है आपकी। और दूसरा यार शक, इतना शक यार, आप एक बात बताओ जिसको जाना होता है ना वो चला जाता है, वो इतने साल ना रिलेशनशिप में ऐसे झेलता नहीं, वो इतने साल था सिर्फ आपके, आपको पैम्पर करता था, आपके टेंट्रम्स झेलता था, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करता है, बच्ची की तरह रखता था आपको, रानी की तरह, आपने कभी उसकी कदर नहीं की। और शक यार, इतने शक से तो पता क्या होता है, जो कुछ ना भी कर रहा हो ना वो भी इरिटेट हो गया, एक दिन छोड़ के चले जाना ही है, ठीक है? तो आगे इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करो, एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट इज्जत ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। चलो यार मैं चलती हूँ, मैं हनीमून के लिए लेट हो रही हूँ। चल जाओ तुम यहाँ से। अच्छा चल मैं जा रही हूँ। अच्छा सुन, बस एक लास्ट बात है, मैं ना पता है क्या है, मैं ना यूरोप टूर पे जा रही हूँ, और क्या ड्रेसेस ली हैं, माय गॉड। क्यों बता रही हो तुम? क्या चॉइस है यार उसकी, खैर तुम्हें देख के पता ही लगता है, उसने इतनी बढ़िया ड्रेस ली है, क्या हॉट लगने वाली हूँ यार, मुझे मुझे नज़र ना लग जाए यार, मैं कितनी प्यारी लगने वाली हूँ। अच्छा पता है मैं ना एक ड्रेस लेके आई हूँ, एक ड्रेस लेके आई हूँ, देखेगी? मुझे नहीं देखना यार तुम्हारा, तुम जाओ यार प्लीज। अरे एक ड्रेस देख ले बस, एक एक सामने ही है, एक ड्रेस देख लेगी प्लीज यार, बस एक बार देख ले मेरे लिए प्लीज, मैं पक्का यहाँ से तुरंत चली जाऊंगी, बस एक बार मेरी एक ड्रेस देख ले यार, प्लीज। उसने बिल्कुल वैसी ड्रेस मुझे खरीदी है, जैसा कलर तुम्हें पसंद है, जैसा डिजाइन, बस एक बार देख लो, बस एक बार देख लो, वो देखो देखो सामने दिख रहा है, उधर उसके पीछे दिख रहा है, कहाँ पर? वो कैमरामैन दिख नहीं रहा स्कर्ट में, वो कैमरामैन है नहीं, कैसा लग रहा है? कुछ भी बोल रहे हैं। अरे वो कैमरा नहीं दिख रहा उधर तुम्हें? अच्छा क्या, तो कैमरा है तो यहाँ क्या चल रहा है? कैमरा है सब, क्या है ये? अरे हम मजाक कर रहे थे, प्रैंक कर रहे थे, देख माइक देख, ये कुछ रियल नहीं था, हम सब मजाक कर रहे थे। वो कैसा लग रहा है कैमरामैन स्कर्ट में, मेरा कैमरामैन? अच्छा शांत हो जाओ, तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं शांति नहीं हुई हमारी। पक्का? हाँ पक्का, मजाक कर रहे हो ना? मैं पक्का बोल रही थी, रुक जाओ उसे बुला लेती हूँ, वो तुमने नंगा कर दिया। ओए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम आ गए, उठ जा, आ जा गले लग जा यार, इतना प्यार करती तो इतना लड़ती क्यों थी बता यार, तुम सच में मजाक कर रहे हो ना यार, तुम्हारी शादी तो नहीं हुई? अरे मजाक है यार, ये सब नकली है। अरे मगर जी सकता हूँ, पता है ना कितना प्यार करता, पता तेरे को, तूने कभी समझने की कोशिश नहीं की, पता कितने प्यारे कपल हो यार, कितना प्यार करते हो सच में तुम, इधर दो हाथ दो, चुपचाप रिस्पेक्ट किया करो। देखो ये तुम पे ट्रस्ट करेगी, ठीक है, टाइम देगी, सब कुछ करेगी, शक बिल्कुल नहीं करेगी, और तुम प्लीज इसे थोड़ा सा टाइम दो यार, बच्ची है, प्यारी सी है, गुड़िया रानी है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं पता। हाँ तो इसे, अरे रो यार, रो सो स्वीट ऑफ यू यार, थैंक यू यार, सच अ ब्यूटीफुल कपल, कितने प्यार। अच्छा रो मत, एक हैप्पी एंडिंग हुई है,
ठीक है, दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करो। तो यार नंगा कर दिया यार, देखो दो लड़कियों के चक्कर। एक तुम भी ना कम नहीं हो, टी शर्ट निकालने का तो था भी नहीं तुम्हें, बस हर जगह अपनी बॉडी दिखानी होती है ना। थी तो दिखा दी ना। हाँ बस रहने दो, इसके लिए तो मैं कहीं भी नंगा हो सकता हूँ, कहीं भी मैं नंगा हो सकती हूँ इसके लिए। तुम रहने दो, ये सीन में था नहीं, ये जबरदस्त चीज ने बॉडी दिखाने के लिए ये निकाल दी यार मैंने। अरे इट्स ओके पागल, थैंक यू, सॉरी, कुछ नहीं कुछ, थैंक यू, ठीक है, अरे एनी टाइम। तो गाइज ये था हमारा फेक मैरिज प्रैंक, और लेकिन इस प्रैंक को देख के जिस तरीके से जा रहा था मुझे लगा नहीं था कि ये हैप्पी एंडिंग में जाएगा, मुझे तो लग रहा था इनका यहीं ब्रेकअप हो जाएगा जिस तरीके से लड़ रहे थे, और इनके चक्कर में ना मेरी भी कुटाई हो गई, कितनी बार मुझे भी धक्के पड़ गए और मुझे भी पता नहीं क्या कुछ बोल दिया, पर चलो कोई नहीं, सच्चे प्यार के लिए सब चलता है। तो आपने देखा यार दोनों कितने परफेक्ट कपल थे, कितना प्यार करते थे एक दूसरे से, बस छोटी सी पेटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो के चक्कर में ना रिलेशनशिप इस कगार पे ले आए थे कि तोड़ने के लिए तैयार थे। तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यार से बड़ी चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपको सच्ची में अगर कोई सच्चा प्यार मिल जाता है तो उससे बड़ा वरदान कोई नहीं है। तो अगर कोई मिल जाता है सच्चा प्यार करने वाला तो उसे प्लीज़ अपनी लाइफ से जाने मत दो, उसको ट्रस्ट करो, उसकी इज्जत करो, उसको टाइम दो, उसको प्रायोरिटी दो, उसको अपनी प्रायोरिटी बनाओ, और शक तो बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। तो बस यही था, यही कुछ सब कुछ था जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे। अगर आपको और फेक मैरिज प्रैंक चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप आपको पसंद आया हो तो इसे खूब सारा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, हर जगह शेयर कर देना ताकि ये सच्चे प्यार का मैसेज सब तक पहुँचे। लव यू, बाय।